आइए मित्रों, हम देखते हैं 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में। इसमें क्या प्रावधान थे, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं 1857 की स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, तो उसके बाद में एक्ट पास किया गया था तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। इसकी प्रमुख विशेषताओं को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सब पूछा जा रहा है आजकल, ये सब बड़े इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। अब इधर के जितने अधिनियम हैं, हर किसी से प्रश्न आपको मिलेंगे ही। आप देखेंगे इधर के जितने अधिनियम हैं, इनको नोट कर लीजिए और आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे। इसमें क्या हुआ, 30 अप्रैल 1858 को ब्रिटिश संसद द्वारा दो प्रस्ताव स्वीकार किए गए। क्या? दो प्रस्ताव स्वीकार या पारित किए गए। पहला यह था भारत में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था। पहला यह था भारत में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हित विधेयक। पहला क्या था, भारत में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था। कैसा? उत्तरदायी शासन की व्यवस्था, ऐसे सरकार जो उत्तरदायी हो लोगों के प्रति। इसमें कहा गया, अब इसमें जो आया इस शासन की व्यवस्था, और इस हेतु ये एक्ट पास किया गया, इसके हेतु ये एक्ट पास किया, और इसमें कहा क्या गया, पहला प्रावधान ये किया गया, भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। नोट करते चलिएगा मित्रों, आपके लिए शॉर्ट नोट हो जाएगा एग्जाम के पहले। तथा अब शासन समाप्त कर दिया, तो ये शासन किसके हाथों चला गया, ब्रिटिश संसद के, ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया। अब ये भारत सरकार भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर देगा, तो ये जो शासन समाप्त हुआ, अब ये शासन किसके हाथों में चला गया, ये ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया। ठीक है, अब क्या किया गया, कंपनी की सेना, अब देखिए क्या किया गया, परिवर्तन देखिए, प्रशासनिक परिवर्तन हो रहे हैं, मैं आगे दिखा रहा हूं, थोड़ा सा इसको बना के दिखाना पड़ेगा। जो गवर्नर जनरल था उसको अब क्या कर देगा, वायसराय नाम दे दिएगा, वायसराय नाम दे दिएगा। इस समय गवर्नर जनरल था क्या नाम है, लॉर्ड केनिंग। तो भारत का पहला वायसराय कौन हुआ, लॉर्ड केनिंग हुआ। 1858 के अधिनियम से गवर्नर जनरल को वायसराय कह दिया। वायसराय का मतलब होता है राजा का प्रतिनिधि, राजा या राज्य का प्रतिनिधि। ठीक है, वायसराय कर दिया गवर्नर जनरल को, अब वायसराय कर दिया गया। दूसरी चीज ये कर दिया गया, एक भारत में शासन हेतु सचिव की नियुक्ति, ये जानते हैं सचिव कौन होता था, ब्रिटिश सरकार का एक मंत्री होता था जिसको भारत सचिव बनाकर भारत में भेजा जाता था। इसी सचिव बनाया गया, भारत सरकार का सचिव, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये नाम दिया गया। इसके बाद में भारत परिषद की, और जब ये सचिव हुआ तो इसका 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, 15 सदस्यीय भारत परिषद का, भारत परिषद का गठन। ठीक है, भारत परिषद का गठन किया गया।
आप देखिए ये सचिव है ना, ये जो परिषद थी ये परामर्श केवल दे सकती थी, परामर्शदात्री संस्था, मतलब बाध्यकारी नहीं था कि ये कोई निर्णय ले और बाध्यकारी इन पे हो जाए, ठीक है। सचिव भारत परिषद के लिए गए निर्णयों से बाध्य नहीं था, बस ये परामर्श इनको दे सकती थी, ठीक है मित्रों। और देखिए जब इनकी बैठक होती थी, इनकी जैसे बैठक हुई, ठीक है, अब बैठक में मतदान हुआ, ठीक ना, बैठक में मतदान हुआ तो इसमें फाइनल जो होता है, फाइनल मत देने का अधिकार देता, ये ऐसे वोट नहीं देता था, लेकिन जैसे मत का विभाजन हो गया बराबर में तो निर्णायक मत जो है वो सचिव देता था, सचिव को निर्णायक मत देने का अधिकार था, ठीक है। इसको और क्या कहा गया, बजट कहां रखने का, ब्रिटिश संसद में रखने का अधिकार, ब्रिटिश संसद में क्या रखना शुरू किया, बजट, ठीक है। उसके बाद में ये लागू कब से हुआ, यहां देखिए लागू 2 अगस्त 1858, हालांकि ये उतना नहीं पूछा गया लेकिन तब भी रखिए प्रश्न, एग्जामिनर का क्या मूड बन जाए कब। एक नवंबर 18, ये अब आपने देख लिया, देखिए 1858 का अधिनियम है, इसको लागू हुआ 2 अगस्त 1858 से, इसके तहत गवर्नर जनरल को वायसराय कह दिया गया, भारत में एक नए पद का सृजन किया गया, सचिव पद का, यह वहां की सरकार का मंत्री होता था जिसको एक सचिव पद दिया गया, इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। ये भारत परिषद जो है परामर्शदात्री थी, क्योंकि इसका कार्य परामर्शदात्री था। अब आप देखेंगे कि जो ये 15 सदस्य थे इसका बैठक होता था और बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते, सपोज किसी समय वोट बराबर हो गए, पक्ष और विपक्ष में बराबर हो गए, ऐसी स्थिति में सचिव को निर्णायक मत देने का अधिकार था। यहाँ पे जो सचिव है उसको ब्रिटिश संसद के समक्ष भारतीय बजट को रखने की अधिकारिता दी गई, उसके पास ये अधिकार था कि वो प्रतिवर्ष भारतीय बजट को वहां के संसद के समक्ष रखवाए और उसका अप्रूवल करवाए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि महारानी, इसके बाद में क्या आता है, इस एक्ट के बाद में आता है महारानी की घोषणा, जो कि 1857 की क्रांति के बाद में काफी वहां जड़े, यहां के अंग्रेजों की जड़ें हिल चुकी थी, इसलिए अब सुधार पे सुधार, हालांकि वो भी एक छलावा ही था अंग्रेजी सरकार का, लेकिन सुधार पे सुधार, अपने आप को लिबरल होने का प्रदर्शन किया जा रहा था। 1 नवंबर 1858 को महारानी की घोषणा, 1 नवंबर 1858 महारानी की घोषणा, महारानी की घोषणा, ठीक है। देखिए इस घोषणा में क्या क्या उन्होंने किया, भारतीय प्रजा, अब देखिए इसके तहत क्या क्या किया गया, पहला क्या कर दिया, भारतीय प्रजा अब क्या हो गई, अंग्रेजी प्रजा के समान हो गई, ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश प्रजा के समान, समान समान माना जाएगा, भारतीय प्रजा को ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा इस अधिनियम घोषणा द्वारा, ठीक है। दूसरा इनका घोषणा था, भारतीय लोगों को, भारतीय लोगों को निष्पक्षता, योग्यता के आधार पर प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चयन की स्वतंत्रता,
चलो स्वतंत्रता। अगला पॉइंट इनकी घोषणा का था, भारत के लोगों को लोगों का भौतिक एवं नैतिक उन्नत का प्रयास। अगला एक पॉइंट और, अब देखिए इतना आ गया भारत के लोगों भौतिक और नैतिक उन्नत का प्रयास। अब देखिएगा एक ध्यान से इस पॉइंट को, क्या कहा गया, भारतीय प्रजा आप कैसे होगी, ब्रिटिश प्रजा के समान हो गई। अब जब भारतीय प्रजा ब्रिटिश प्रजा के समान हो गई तो उसको उसी तरह से अधिकार भी मिलने चाहिए। प्रजा समान मतलब थोड़ी होता है रंग में होना, अधिकार में होना, कार्य में होना। कहा गया भारतीय लोगों को निष्पक्षता और योग्यता के आधार पर चयन की स्वतंत्रता रहेगी, जैसे आईएएस पीसीएस होता है। भारत के लोगों का भौतिक और नैतिक उन्नति का प्रयास। अब इससे तो आप देखेंगे तो लगेगा अरे यार भारतीय प्रजा ब्रिटिश प्रजा के समान, भारतीय लोगों को निष्पक्षता योग्यता के आधार पर चयन का अधिकार, यानी भारत के लोगों को भौतिक और नैतिक उन्नति का प्रयास जो आपके मूल अधिकार में दिया गया है या मूल अधिकार संविधान में इसलिए प्रयोग है कि भारत के लोगों का वो मतलब अत्यधिक भौतिक और नैतिक उन्नति का प्रयास किया जाएगा, इस अधिकार के माध्यम से किया जाएगा। तो आप देखेंगे इस प्रकार, अब भारत में जो शिक्षित वर्ग था, भारत का शिक्षित वर्ग इसका स्वागत किया, और क्या कहा, ये कहा कि देखिए भारत का भौतिक एवं नैतिक प्रयास किया, भारत का शिक्षित वर्ग का स्वागत किया और इसे भारतीय लोगों का मैग्ना अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। भारतीयों के अधिकारों का मैग्ना कार्टा, कहा गया। अब हम आते हैं 1861 का अधिनियम। देखिए अब आता है 1861 का अधिनियम, इसमें प्रावधान किया गया है। देखिए 1861 के अधिनियम में कहा गया है, 1861 भारतीय प्रतिनिधित्व अधिनियम, इसका पूरा नाम है भारतीय, अब बदल गया है ना चार्टर से, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ठीक है। अब इसका सबसे बड़ा चीज आप देखेंगे, प्रांतीय विधायिका का आरंभ किया गया, प्रांतीय विधायिका मतलब क्षेत्र, जैसे क्षेत्र वाइज प्रांतीय विधायिका, जैसे विधानसभा आज का है, का आरंभ। और अभी आपने देखा था केंद्रीयकरण किया गया था सत्ता का, अब यहां पे विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण आरंभ हुआ। क्योंकि जितना ही विकेंद्रीकरण होगा सत्ता में, जनता के लिए न्याय पाना उतना सुलभ होगा, और जितना ही केंद्रीयकरण होगा उतना ही तानाशाही बढ़ती है, ये शासन की पहचान होती है, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं 1892 का अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक प्रश्न पूछा गया है यहां से, कांग्रेस की मांग
ये कांग्रेस की मांग को ध्यान में रखते हुए आया था। इसका ये महत्वपूर्ण है क्योंकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, ये आप लोग जानते हैं, और 1892 का अधिनियम। तो इनकी स्थापना जिन उद्देश्य से हुई तो इनका कुछ अपना मांग था, तो इस पर कांग्रेस की मांग को, कांग्रेस की मांग को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम पारित। इसके प्राविधान क्या थे, थोड़ा महत्वपूर्ण है। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि, केंद्रीय विधान परिषद सदस्यों की संख्या में वृद्धि, दूसरा आया केंद्रीय तथा, हाँ ये महत्वपूर्ण है याद रखिएगा, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानसभा, विधानसभा में केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानसभा में, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानसभा में विधान परिषद में 2/3 सदस्यों का, 2/3 सदस्यों का निर्वाचन द्वारा नियुक्ति हुआ। किसके द्वारा याद रखिएगा, निर्वाचन द्वारा नियुक्ति। मित्रों नियुक्ति, ठीक है, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद 2/3 सदस्यों का निर्वाचन द्वारा नियुक्ति। अब निर्वाचन की पहली प्रक्रिया पूछा गया है, निम्न में से किस अधिनियम में सर्वप्रथम निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, याद रखिएगा 1892 के भारत प्रसिद्ध अधिनियम में यह प्रश्न पूछा गया है। फिर आप देखेंगे अगला, ये भी प्रश्न पूछा गया है, बजट पर बहस, प्लस सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार, ठीक है। अब आप देखिए बजट पर बहस, सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार, 2/3 सदस्यों पर निर्वाचन द्वारा नियुक्ति, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में, ये सब क्या हो रहा आज आप देखते हैं कि आप क्या निर्वाचन होता है ना, निर्वाचन बजट पर बहस होता, आज भी बहस होता, सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछा जाता, आज भी संसद में आके पूछा जाता है, ठीक है। परंतु ये चीज था कि इनमें बहस तो थी, मतदान नहीं, करता जा सकते, करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, देखिए अब अगला अधिनियम आप लोग लिख लिए होंगे मुझे उम्मीद है, साथ ही साथ इसलिए मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूं कि जैसे आप इसको नोट कर सके। अब भारत परिषद अधिनियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, देखिए ये 1909 आ गया, भारतीय 1892 के बाद फूट डाले और राज करो की नीति का अनुसरण, ये पूछा गया है
देखिए 1800 फूट डालो यो इतनी पूरा फूट डालो यम राज करो। कैसे फूट डालेंगे? फूट डालो। इस नीति का अनुसरण कब किया गया? भारत प्रसार अधिनियम 1919 में। इस नीति का अनुसरण अनुसरण इस अधिनियम में किया गया है। ठीक है, ये फूट डालो राज करो क्या था? संप्रदाय के आधार पर, जात के आधार पर लोगों को निर्वाचन क्षेत्रों में बांट देना। तो क्या हो जाएगा? इससे बंटवारा हो गया, लोगों में फूट हो जाएगा, और जब फूट हो जाएगा तो एकता ताकत की कमी होगी, तो ये इनके राज करने का और समय सीमा बढ़ जाएगा, क्योंकि इनको डर सबसे ज्यादा यही था, जो कि 1905 में बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी लॉर्ड कर्जन द्वारा, बंगाल विभाजन की घोषणा कराई गई थी, उससे भारतीय जनमानस में इसके विरोध स्वरूप एक बहुत व्यापक आंदोलन हुआ। आप जानते हैं कि 1905 में एक सत्याग्रह क्या आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, और इस आंदोलन ने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो दिया था। परिणाम स्वरूप राज जो सरकार थी वो डर गई थी, और फूट डालो एवं राज करो का इसका पहला उदाहरण ही कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन ही है, जिससे कि मुस्लिमों को संतुष्ट करने के लिए, मुस्लिम लोगों को संतुष्ट करने के लिए बंगाल के मुस्लिम और हिंदू में बांट दिया गया। इसका विरोध हुआ, और हिंदू मुस्लिम उस समय एकता से कॉम्पैक्ट रूप में रहते थे, और अंग्रेजों ने इसी एकता को ही तोड़ना चाहा इस अधिनियम में, इसलिए इसको कहा जाता फूट डालो और राज करो नीति 1809 के अधिनियम को, फूट डालो राज करो, बहुत फेमस है इसे। इससे क्या हुआ? केंद्रीय प्लस प्रांतीय विधान परिषदों प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि, आकार एवं शक्ति में वृद्धि, मतलब उनको कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति। दूसरा क्या हुआ? आपने पढ़ा 1892 बजट पर विवेचना करने का लिखा, बजट पर बहस, अगला पॉइंट है तीसरा, किसी भी विषय पर सदस्यों द्वारा सरकार से पूरक, किसी भी विषय पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, सदस्यों को यह अधिकार मिल गया। विधान परिषद तो केंद्रीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को सरकार से किसी भी विषय पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। ठीक है, इसका सबसे महत्वपूर्ण ये है जो आप देखेंगे पूछा गया है, क्योंकि बंटवारे की नीति बीज यहीं पे बोली गई थी, बंटवारे का बीज जो था इसी अधिनियम में, ये याद रखिएगा। ये अधिनियम बड़ा खतरनाक रहा भारत के लिए, अगला वाला और भी महत्वपूर्ण है, आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसके साथ में ये आपको बड़ा अच्छा लगेगा पढ़ने में, 1919 का अधिनियम, ये महत्वपूर्ण है। यहां सबसे प्रश्न है 1909 से आया, 1892 से आया, देखिए 1919 का अधिनियम,
1909 में क्या आपने देखा था? देखिए 1909 वाले में क्या आपने देखा था, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन, अर्थात बंटवारा, फूट डालो राज करो, ठीक है। अब देखिए भारत सर, अब इसने क्या किया, इसका प्रभाव क्या हुआ, देखिए राष्ट्रवादियों ने उग्र आंदोलन किया, आंदोलन किया, ठीक है। अब क्या करें, 1916 में कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग समझौता, इन सभी चीजों का प्रभाव को देखते हुए यह अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। अब देखिए इसकी प्रमुख विशेषता, क्या था, केंद्र में द्विशतनात्मक विधायिका, केंद्र में द्विशतनात्मक विधायिका, आज द्विशतनात्मक जो था इसमें केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान था, और दूसरा क्या था, राज्य परिषद था, कुछ ऐसा ही जैसे आज राज्यसभा और लोकसभा है, विधान परिषद, ठीक है। अब इनकी केंद्रीय विधानसभा, इनका जो सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का चयन था प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता था। और इसमें एक व्यवस्था क्या किया गया, देखिए आगे फिर इसी चीज को बढ़ाया गया, मुस्लिमों प्लस सिखों और यूरोपियन अलग निर्वाचन, अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई, यानी अभी भी इनकी फूट डालो की नीति पे ये अपने अमल कर रहे थे, ठीक है। पृथक निर्वाचन, अब इसके द्वारा 8 भागों में, भारत के 8 भागों में 8 प्रांतों में विधान परिषद का गठन, जो प्रांतीय थे, प्रांतीय विधानसभा थी, प्रांतीय विधानसभा कानून बनाने का अधिकार, देखिए याद रखिएगा द्विशतनात्मक, केंद्र में द्विशतनात्मक विधायिका कब आया, भारत प्रसिद्ध, ये महत्वपूर्ण है, विधायक विधान प्रांतीय विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार, और किस विषय पे ये कानून बना सकते हैं उसके लिए विषय आरक्षित कर दिए गए कि भाई आप इन्हीं विषयों पे, तो विषय इनके क्या हुए, अधिकार, अधिकार इसके लिए विषय, देखिए
विषय क्या थे, किन विषयों के कानून बना सकते थे, उसमें था आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित और दूसरा हो गया हस्तांतरित। ठीक है, इसका सबसे महत्वपूर्ण है केंद्र में देशाधिनात्मक व्यवस्था आया, मुस्लिमों सिखों और यूरोपियन यूनियन के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद, केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का चयन प्रत्यक्ष होता था, राज्य परिषद में नियुक्ति होती थी, प्रांतीय विधानसभाओं में 8 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया विधान परिषद का, और प्रांतीय विधान परिषद विधानसभा हमने किया है बार बार विधान परिषद जो भी कह दीजिए, कानून बनाने का अधिकार इनको दे दिया गया। ये इनके कानून बनाने के अधिकार क्या थे, दो थे, विषय आरक्षित और हस्तांतरित। अब आते हैं हम भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम 1919 के अधिनियम को पुनर 10 वर्ष के बाद में इसका मूल्यांकन हेतु साइमन कमीशन की नियुक्ति भी की गई थी, जिस साइमन कमीशन का भारत में जबरदस्त विरोध हुआ। उसके बाद में साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट 1930 में जाकर ब्रिटिश सरकार को सौंपता है, कांग्रेस 1928 में कांग्रेस मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस की एक समिति का गठन किया जाए, तो संविधान निर्माण के लिए उसको कार्य सौंपा गया। इस प्रकार से कई चीजों का समावेश देखते हुए ये कहा गया भारत परिषद, कई ऐसी परिस्थितियों में भारत परिषद अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, क्योंकि इस समय उग्र आंदोलन चल रहा था, गांधी इरविन समझौता हुआ, गोलमेज सम्मेलन हुआ प्रथम द्वितीय तृतीय, उसमें भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका, सांप्रदायिक पंचाट आया वहां के, तो ब्रिटेन में घोषणा की गई, उसके बाद में यहाँ परिस्थितियां और गंभीर हुई, यहाँ पे राष्ट्रवादियों ने क्रांतिकारियों ने अपना अभियान आंदोलन उग्र कर दिया, तेज कर दिया। इसके उपरांत भारत परिषद अधिनियम 1935 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या है, देखिए इसके आधार क्या थे, ग्राउंड क्या था पास होने का, आप देखेंगे इसके ग्राउंड को, ये ध्यान दीजिएगा। आधार इसका क्या था पास होने का पूछा जा सकता है, नेहरू रिपोर्ट, ये 1928 में था, नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन जिन्ना का मांग 14 सूत्रीय, ऐसे नहीं समझ पाएगा, सूत्रीय मांग, ठीक है, ये सब आधार बने। ये कब था, 29 मार्च 1929। ये पूछा जाता है आपके इतिहास में भी देखेंगे प्रश्न आएगा कि जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग क्या था। गोलमेज सम्मेलन तीनों हुए थे, ठीक है, इन्हीं सब के आधार पर ब्रिटिश संसद, अब इनका प्रभाव क्या पड़ा देखिए, इसका आधार पर ब्रिटिश संसद द्वारा क्या किया गया, श्वेत पत्र जारी किया गया, श्वेत पत्र जारी किया गया और इसी श्वेत पत्र के आधार पर यह अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। अब इसके प्रमुख प्राविधानों को आप देख लीजिए, अखिल भारतीय संघ का प्राविधान किया गया,
ठीक है। दूसरा इसमें क्या किया गया, शक्तियों का विभाजन, संघ एवं राज्य में शक्तियों का विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, शक्तियों का विभाजन, ठीक है। केंद्र सूची और प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची, विभाजन कैसे हुआ, शक्तियों का विभाजन, इसको सूची में रख दिया गया, संघ सूची, ये हो गया संघ सूची। विषय, विभाजन कैसे हुआ, इसका विषय निर्धारित कर दिया गया कि भाई प्रांत जो है इस पे कानून बनाएगा, संघ इस पे कानून बनाएगा, इस प्रकार से बंटवारा कर दिया। संघ सूची, प्रांतीय सूची, जो आज राज्य सूची कहा जाता है, प्रांतीय सूची, और एक आ गया समवर्ती सूची, ठीक है। अब ये कहा दिया गया संघ सूची पर संघ कानून बनाता था, प्रांतीय सूची पर प्रांत विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति, और समवर्ती सूची में दोनों को कानून बनाने की शक्ति निहित थी। इस प्रकार से शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, ठीक है। इसके अधिनियम के द्वारा केंद्र में जो द्विसदनात्मक दोहरी व्यवस्था की गई थी उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में एक और बहुत महत्वपूर्ण आता है, पूछा गया केंद्र में द्वैध शासन, शासन की व्यवस्था, द्वैध शासन मतलब दो शासन, द्वैध, द्वैध शासन, दो शासन हो गया। देखिए कैसे, द्वैध शासन में विषय, विषय बनाया गया, विषय ध्यान से देखिएगा, ये विषय हो गया, इसमें हो गया एक विषय हो गया हस्तांतरित, हस्तांतरित, हस्तांतरित हो गया, और दूसरा हो गया संरक्षित। अब जो संरक्षित था, देखिए इस पे शासन हस्ताक्षरित जो था इसपे मंत्रिपरिषद को अधिकार था, मंत्रिपरिषद कानून बनाने के लिए, और इसपे गवर्नर जनरल, मतलब कुछ विषय दे दिए गए उसमें मंत्रिपरिषद को, और ऐसे कुछ विषय थे जिनपे संरक्षित रख लिए गए थे, किसके लिए, गवर्नर जनरल के लिए। तो गवर्नर जनरल जो विषय संरक्षित थे उसपे कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल उसकी परिषद जिम्मेदार थी, और हस्ताक्षरित, हस्ताक्षरित विषय पर मंत्री परिषद, यानी कि दे दिया गया कि आप कुछ सीमित विषय है जिन पे आप मंत्री परिषद अपना कानून बना सकती थी। ठीक है, अब देखिए और मंत्री पर है। अब गवर्नर जनरल जो था इसको ये शक्ति दिया गया कि आप संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, अधिवेशन, देखिए यहां तो नहीं दिख रहा होगा आपको, ये यहां देख लीजिए, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति इसको दी गई, बुलाने की शक्ति, ठीक है। किसकी, संयुक्त अधिवेशन की, केंद्रीय विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्य परिषद, यह संयुक्त अधिवेशन किसका, केंद्रीय विधान परिषद प्लस और किसका, राज्य परिषद, देखिएगा
इनका संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता था? गवर्नर जनरल, उसको पावर था। जैसा आज आपके राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया है 108 अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 108 में आपके उनको क्या नाम है, राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि दोनों सदनों का संयुक्त बैठक वो आप कर सकता है। ये बहुत पूछा गया आपके एग्जाम में, ठीक है। अब अगला हम बताते हैं आपको, इसी में संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था, संघीय न्यायपालिका, न्यायपालिका की व्यवस्था, संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था, दूसरा क्या किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया, द्वैध शासन समाप्त, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तथा प्रांत में अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति, राज्यपालों की, जो आज है राज्यपालों की नियुक्ति। उसके बाद में ये लागू कब हुआ, अगस्त 1935 में। इसके आधार पर चुनाव हुए प्रांतों में, चुनाव 1937 में हुए, जिसमें से हुए 11 प्रांत थे, 11 प्रांत थे, 6 पर कांग्रेस, 6 पर कांग्रेस विजय हुई, ये भी पूछा जाता है, 3 पर मिलीजुली, 1 पर यूनियनिस्ट पार्टी, 1 पर कृषक प्रजा पार्टी ने सरकार बनाया, बहुमत है, ठीक है। अब इस प्रकार से आप देखते हैं, और आप आगे जब देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत में, तो भारत परिषद अधिनियम 1935 का 75% हूबहू ऐसे स्वीकार कर लिया गया आपके संविधान में, समझ रहे हैं ना, इसलिए ये आपके संविधान का रीढ़ है। मित्रों ये जो अधिनियम मैंने बताया है, इसका मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चन पेपर जब हल कराऊंगा इसके बाद में वीडियो में डालूंगा, आप देखेंगे अभी 4-6 अधिनियम और बाकी हैं, उनको बनाने के बाद में मैं आपको दूंगा, आप देखेंगे मैं पेपर भी शामिल कराऊंगा।